Hey guys, welcome back to our channel. और आज एक बार फिर से हम लोग गाइस कंटिन्यू करने वाले हैं पोकेमोन ओमेगा रूबी को। तो यार लास्ट टाइम हमने यहाँ पर जिम बैटल करी थी वॉटसन के खिलाफ में, जिसमें हम जीत चुके थे। हमारे एक ही पोकेमोन ने पूरी जिम की वाट लगा दी और ये जिम बैटल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। और आज का इसमें तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा नया पोकेमोन। मुझे ना बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, लिटरली मैं सभी की कमेंट्स देखी। सभी लोग मतलब मोस्ट ऑफली तो कह रहे थे कि रॉयल्स को पकड़ लो, इसलिए मैंने अपनी टीम में एक रॉयल्स रख लिया है। ये रहा रॉयल्स, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा ये लेवल अभी 6 का है लेवल, तो बस थोड़े ही समय में ये ज़्यादा लेवल का हो जाएगा। फिलहाल हम इससे काम चलाएंगे। एनीवेज आज हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है जिसे हमें मिस नहीं करना। ओ नो, यहाँ पर जाना है मे बी। ये स्टोर है, ये बाइसिकल स्टोर है जहाँ से हम हमारी पहली साइकिल मिलेगी। और यार साइकिल से ना ट्रैवलिंग करना बहुत इजी हो जाता है, तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर एक बाइक लेने वाले हैं। यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, मार्क और एक्रो, तो ऑफ कोर्स हम लोग मार्क बाइक लेंगे। ये ज़्यादा बेटर है एक्रो के मुकाबले, और मुझे एक्रो के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मार्क ही लेंगे हम। तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं। कितना ऑसम लग रहा है ना पोकेमोन ओमेगा रूबी भाई। मुझे ना गाइस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है पोकेमोन ओमेगा रूबी खेलने में। ओ वाओ, वी आर सपोज टू बी वेयर आर वी गोइंग अगेन। माउंट चिमनी, ओ टीम मैग्मा, फिर से इनके बुरे प्लान्स चालू हो गए। चलो कोई ना हम इन्हें देख लेंगे। एनीवेज आगे चलते हैं गाइस। आज हमें जाना है रूट नंबर 114 में, मे बी देखते हैं चल के। ओके रूट नंबर 111 में आ गए हम। वाओ नाइस, चलते हैं ऊपर साइड में। ओके यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं। और ये क्या है, हेलो आई टेक इट यू आर अ ट्रेवलर, व्हाट डू यू से टू टॉकिंग ऑन आवर फैमिली ऑफ फोर इन अ सीरीज ऑफ पोकेमोन बैटल्स। ओ भाई मुझे याद है, ये लगातार चार लोग मुझसे बैटल करेंगे। इनकी फैमिली में चार लोग होते हैं और ये लगातार हमसे बैटल करते हैं। चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा इसके बहाने ना रॉयल्स भी विकसित हो जाएगा और रॉयल्स का लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मुझे अभी अभी मिला है तो उसका लेवल थोड़ा सा कम है, तो इन बैटल्स के बाद में उसका लेवल बढ़ सकता है, तो अच्छी बात है हम बैटल करेंगे। तो फ्लेम चार्ज, डबल पैक, डबल किक, इन्हें जल्दी जल्दी हराते गाइस, जिससे ना हमारा लेवल। ओ भाई व्हाट आर यू डूइंग टेलो। अच्छा हाँ, ये तो यार फ्लाइंग टाइप है, तो हमारे ऊपर ऑफ कोर्स यार ज़्यादा असर होगा फ्लाइंग टाइप का, मैं भूल कैसे गया था। ओ माय गॉड, चलो कोई ना, हमें पॉइंट्स मिले और रॉयल्स लेवल 7 का हो गया। ज़िगज़ागून पोकेमोन स्विच नहीं करना हमें, और यहाँ पर हम ज़िगज़ागून को भी एक दो किक से हरा देंगे। डबल किक हमारे पास लेवल 19 का है भाई, कोई कमज़ोर तो है नहीं, लेकिन फिर भी ज़िगज़ागून एक बार में हार गया। वाह ये वाली बैटल भी आसान नहीं है, लगातार मुझे चार को हराना है, तो ये कोई इजी बैटल बिल्कुल नहीं होने वाली है। इलेक्ट्राइक भी है, मतलब तुम लोग के फेवरेट पोकेमोन्स हैं, और तुम लोग बोल रहे भाई मैं अपनी कन्फर्म पोकेमोन टीम कब बनाऊंगा, तो ये तो मुझे भी नहीं पता मेरी फाइनल पोकेमोन टीम। देखते हैं पोकेमोन जैसे जैसे मिलते जाएंगे हम वैसे वैसे पकड़ते जाएंगे। अभी मैंने रॉल्स को अपनी टीम में ले लिया है, और अच्छा कोई पोकेमोन मिलता है तो हम इसे थोड़ा अलग तरीके से खेलने वाले हैं, इसलिए तो इसमें कह नहीं सकते कि हमारा परमानेंट पोकेमोन कौन सा होगा, मैं खुद नहीं बता सकता तुम्हें, लिटरली भाई कन्फर्म मैं कुछ भी नहीं कह सकता। तो चलो यहाँ पर रोजेलिया आ गई है, इससे पर हम करेंगे फायर टाइप अटैक का यूज, फ्लेम चार्ज का। ये रहा फ्लेम चार्ज, ओपी एक ही बार में खत्म, ओपी एक ही बार में खत्म। चलो गोकू लेवल 25 का हो गया, मुझे लग रहा है ये बहुत ही जल्दी विकसित होने वाला है। मुझे एक अटैक बल्कअप तो जरूरी है, पैक भी जरूरी है, फ्लेम चार्ज, आई डोंट नो, मैं कोई अटैक नहीं हटाने वाला। कोई अटैक हटा दूं क्या, रहने दो यार कोई अटैक, मुझे एक भी अटैक नहीं हटाना, बल्कअप बहुत ताकतवर मूव है। कोई अटैक रहने तो नहीं सीख रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं है कोई अटैक के लिए। ज़िगज़ागून और रॉल्ट्स दोनों का लेवल बढ़ चुका है, और रॉल्ट्स लेवल 9, मैंने बोला ना भाई अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे रॉल्ट्स को। यहाँ पर सेकंड आने वाला है, थर्ड आने वाली है, चलो देखते हैं इसके पास में कैसे पोकेमोन है।
वीवी वीवी के पास में पहला पोकेमोन है ओके गोल्डिन। तो यहाँ पर हम लोग गोल्डिन को पैक से हरा सकते हैं ना, इजी होगा पैक से हराना। अरे नहीं वो नहीं 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 अरे 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 गोल्डिन व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर हम लोग डबल किक का यूज करेंगे, एक किक एक और किक, चलो ये खत्म हुई गोल्डिन। मुझे लगा था मैं खत्म क्योंकि वो वाटर टाइप थी तो उसके पास में टाइप का एडवांटेज था थोड़ा सा। यहाँ पर आने वाला है नूमिल, नूमिल को हराने के लिए भी सी का यूज करेंगे। गाइस हमारा सिर्फ एक ही पोकेमोन ना सबकी वाट लगा सकता है, इतनी पावर हमारे पास। डबल किक से हारेगा ये, चलो डबल किक से खत्म हो जाएगा। नाइस, बहुत ही इजी बैटल थी। गोकू बहुत ही पावरफुल है यार गाइस। स्नूमिश आने वाला है, गोकू के लिए एक लाइक तो बनता है, फटाक से लाइक करो आप लोग, एक लाइक बनता है गोकू के लिए गाइस। जितने ज्यादा आप लोग लाइक वगैरह करोगे मैं उतनी जल्दी नेक्स्ट एपिसोड डालूंगा। तो मुझे यार लाइक भाई फटाक से गाइस कंप्लीट करवा दो जिससे मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल दूं। मुझे रियली यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब तुम लोग लाइक करते हो वीडियोस को। तो यहाँ पर आने वाली है इनकी ग्रैंडमा, चलो चलो सब लोग आ जाओ, ग्रैंडमा भी आ गई है। तो अब हम इनसे भी बैटल करेंगे जल्दी से, देखते हैं इनके पास में कौन से पोकेमोन होंगे। हाय ग्रैंडमा, इनके पास में मेडिटाइट, मेडिटाइट को हराने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेम चार्ज, या डबल किक में भी फ्लेम चार्ज का करना चाहिए। चलो फ्लेम चार्ज का यूज करें, देखते हैं कितनी हेल्थ जाएगी। मुझे लग रहा है अरे भाई 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 व्हाट पैरालाइज, व्हाट हमारी हेल्थ कितनी ज्यादा कम हो गई। चलो यार यहाँ से सबसे पहले पोकेमोन को चेंज करें, या तो हेल्थ रिकवर करें, हाइपर पोशन का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है पैरालाइज हाइपर पोशन का यूज कर लिया हमने, पूरी हेल्थ वापस आ जाएगी हमारी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन हम पैरालाइज हैं थोड़ा सा, ओ ओ सुपर इफेक्टिव, मुझे डबल किक का यूज़ करना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ कमॉन गोकू, सिर्फ एक अटैक की बात है, कमॉन गोकू। अरे पैरालाइज है गोकू, चलो लेकिन गोकू ने बहुत देर से बैटल संभाली थी तो पोकेमोन को चेंज करते हैं। मे बी ना हमारा ज़िगज़ैगून बैटल करने के लायक है फिलहाल, तो ज़िगज़ैगून भी बैटल संभाल सकता है और उसे भी हमें मौका देना चाहिए एक दो बार तो अटैक करने का। लाइक चेक करते हैं एक बार कैसा क्या करेगा। अरे 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 बापरी भाई साहब, एक अटैक तो करता ज़िगज़ैगून, मतलब एक अटैक भी नहीं करेगा। यहाँ से हम पिकाचू को भेज देते हैं, ये पोकेमोन कॉन्टेस्ट के लिए रखा था लेकिन यहाँ पर भी इसे यूज करेंगे। हम लोग करते हैं इलेक्ट्रो बॉल का यूज, लेट्स चेक क्या होता है। खत्म भाई साहब, ओपी 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 पिकाचू ओपी। चलो ये हमारा ब्यूटीफ्लाई लेवल 18 का हो गया, रॉयल्स लेवल 10 का हो गया, बहुत ही बढ़िया। दादी माँ को भी हमने हरा दिया और इसी के साथ गाइस हमने इनकी फैमिली के चारों मेंबर्स को हरा दिया। अब हम अंदर जाएंगे और अपना प्राइज वगैरह ले लेंगे, देखते हैं क्या देने वाली है ग्रैंडमा। हाय ग्रैंडमा, मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें दे दो जैसे कि एप्पल पाई वगैरह। ओके ग्रैनी, ये हॉरर वाली ग्रैनी ना निकले। ओके तो यहाँ पर अरे ग्रैनी कुछ कुछ यार कुछ दे देना चाहिए था, हमने फैमिली के चार मेंबर्स को लगातार आ रहा है भाई। ये तो गाइस ना चीटिंग हुई ना, ये तो चीटिंग हुई। इनकी फैमिली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं थी लेकिन फिर भी यार चार लोगों को लगातार हराया, हमारा मैक्स पोशन वेस्ट हो गया। ओके इनकी फैमिली के चारों मेंबर से बात करनी होगी मे बी। चलो माचो ब्रेस मिला हमें, कुछ तो मिला है आइटम पॉकेट में, और दादी माँ से बात करने से कुछ नहीं देंगी। चलो दादी माँ कोई बात नहीं, दादी माँ गुड बाय, बाद में आएंगे आपके पास। एनीवेज गाइस यहाँ से निकलते हैं अपन जल्दी से, पर पहले ना यहाँ से हम एक सेकेंड पोकेमोन को कर लेते हैं ठीक, बिकॉज हमारे पास में है पोकेमोन सेंटर तो उसका पूरा पूरा एडवांटेज उठाते हैं ना। ओके तो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे है, चलो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर है पोकेमोन सेंटर। तो चलो यहाँ से जल्दी से पोकेमोन को करते हैं ठीक, उसके बाद में चलेंगे वापस वहीं पर। तो जल्दी से हमारे पोकेमोन ठीक हो जाएं, ये चार पाँच पाँचों छः पोकेमोन्स पहले ही हो गए और दो पोकेमोन्स हमारे पोकेमोन कॉन्टेस्ट के लिए, एक पिकाचू और एक हमारा ब्यूटीफ्लाई। ये बैटल के लिए नहीं है, बैटल के लिए हमारी दूसरी पोकेमोन की टीम होगी, तो टेंशन मत लो।
हमारा जिग्जैगून परमानेंट है, जिग्जैगून और रॉयल्स ये पोकेमोन हमारी ना परमानेंट पोकेमोन है एकदम, तो इन्हें यार हम बदलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। बाकी पोकेमोन्स को बदलेंगे, अभी तो दो पोकेमोन्स तो चेंज करने ही है, वो बैटल के लिए नहीं है, बस उनका लेवल बढ़ रहा है जब तक उन्हें नए मूव्स नहीं मिलते, क्योंकि पोकेमोन कॉन्टेस्ट में उनके नए मूव्स बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, जिनका यूज़ करके हम पोकेमोन कॉन्टेस्ट भी जीत सकते हैं। वॉट, यहाँ से रॉक स्मैश हमारे पास में एचएम है क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया यार मुझे एचएम मिला भी कि नहीं, मे बी मुझे एचएम, ओके रॉक टूम, मुझे एचएम नहीं मिला गाइस, मुझे नहीं पता एचएम कहाँ है, आई डोंट नो एचएम्स, मे बी मैंने कहीं मिस करा है क्या यार एचएम, रॉक स्मैश तो होना चाहिए ना, रुक जाओ, रॉक टूम, रॉक टूम से टूट सकता है क्या? मे बी नहीं, ये रहा रॉक स्मैश, ओके मुझे मिल गया था यार। हम इसे सिखाएंगे जिग-जैगून को, बिल्कुल जिग-जैगून है किस लिए, इसलिए तो रखा टीम में एचएम सिखाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक अटैक को हटा देंगे जो कि होगा हेडबट, हेडबट को हटा देते हैं और इसकी जगह सिखा दिया हमने इसे रॉक स्मैश। ये एक एचएम है तो काम आएगा जल्दी जल्दी, काम के मूव्स रखना चाहिए, और एक ऐसा पोकेमोन रखो जो तुम्हारे हर एक समय में काम आए, वो है हमारा जिग-जैगून। ये कल्टर्ट सब सीख सकता है, यहाँ तक कि सर्फ भी। ओके तो यहाँ से हमें निकलना होगा ट्रेनर से बच के, हमें भी हम लोग निकल पाए, निकल गए निकल गए निकल, ईजी, अरे अरे एक बैटल हो गई, एकदम सामने से निकल गए थे वरना हम लोग बच जाते। चलो कोई ना कोई ना कोई ना, एक से बैटल तो करनी होगी। इसके पास में एक ही पोकेमोन है शैंड इश्रो, शैंड शुरू को हम हरा देंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक दो अटैक की बात है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे डबल किक का, मे बी डबल किक काम आए, देखते हैं। ओ ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा, वो एक आर्मर वाला पोकेमोन है इसलिए ज़्यादा काम, ओ कैनन बोल्ट, लेकिन हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसके अटैक का, बस एक अटैक और, एक और बार डबल किक, चलो ये ख़त्म हो गया, एक ही अटैक की बात थी, बहुत ओपी। हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी मिल चुके हैं और गोकू लेवल 26 का हो गया, नाइस। ओके दूसरे को पोकेमोन को मतलब क्यों नहीं मिला यार, पता नहीं पॉइंट्स क्यों नहीं मिले, एक्सपी शेयर तो दे रखी थी, आई डोंट नो। तो यहाँ से निकलते हैं, मे बी आई डोंट नो किस साइड जाना है, दो तीन रास्ते दिख रहे हैं, एक इस साइड। ओ मे हाय मे, बस बैटल मत करना, बैटल मत करना प्लीज हनी। ओ भाई क्या माउंटेन है, ग्राफिक्स देखो गाइस, इट्स योर इज बिग, नाइस, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कितना अमेजिंग व्यू है यार, तुम लोग खुद ही देखो, मतलब पोकेमोन ओमेगा रूबी के ग्राफिक्स ना मुझे हमेशा ही इम्प्रेस करते हैं, और इसलिए यार शायद ना सभी फैंस को पोकेमोन ओमेगा रूबी पसंद है, और इसलिए तुम लोग भी बोलते हो कि भाई जल्दी से जल्दी खेलो। चलो केवल कार है वहाँ पर, हे हनी डोंट योर पोकेमोन सीम्स अ बिट रेग्ड अराउंड द एजेस, हेयर लेट मी गिव हिम अ लिटिल बूस्ट। चलो इसने लगता हमारे पोकेमोन को ठीक कर दिया, ओके हेल्थ हमारी रीस्टोर हो गई, नाइस, और हमें HM04 स्ट्रेंथ भी मिल गया है इसी के साथ में, नाइस भाई। ओके देखते हैं क्या करने वाले हैं आप, ये भी साइड चली गई, मे बी मुझे किस साइड जाना चाहिए, इस साइड या इस साइड, ओके आई एम सो कन्फ्यूज, ओके 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 आई डोंट नो किस साइड जाना चाहिए, ऊपर मैं ऊपर जाने वाला हूँ, लेट्स ट्राई, ओके ओके इस साइड नहीं जा सकते गाइस, यहाँ पर सैंड स्टॉर्म चल रहा है तो इस वाले रास्ते में जाना लगभग हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा, तो मैं समझ गया हूँ मुझे उसी केबल कार वाले रास्ते पर जाना है, ये देखो हम नहीं जा सकते, ऑफकोर्स हमें एक ही रास्ता मिलेगा जाने के लिए, वो है साइड से, उस केबल कार से हम वहीं से जाने वाले हैं, रूट नंबर 112 भी यहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कोई अच्छा सा पोकेमोन मिल जाए मे बी, ओ नाइस हम निकल आए, ओ निकल आए, सच में निकल आए, वाओ। अरे टीम मैग्मा, मुझे ये वाली क्वेस्ट याद है गाइस, अरे कितने अच्छे से आए मेरे से बैटल करने, डुक 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 डुक, मुझे ये वाली क्वेस्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है, हमें पहले टीम मैग्मा के प्लांस को ख़राब करना होगा और यहीं पर ग्राउडॉन भी आ गए, हमें पूरा घूम के आना होगा, मैं समझ गया मुझे ये वाली अच्छी तरीके से क्वेस्ट याद थी, चलो करने में मज़ा भी आएगा। नोमेल को ज़्यादा कुछ वेरी इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो खुद ही फायर टाइप है, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डबल किक का,
ओपी। बहुत सही बहुत सही, डबल किक से यह हार किया। एक्सपी मिल गई, इलेक्ट्राइक लेवल 16 का हो चुका है। उसे एक नया अटैक मिला है, देखते हैं कौन सा है। ओडोर स्लॉथ, ये कौन सा अटैक है? ओडोर स्लॉथ वॉट, लीर के जगह सिखा देते हैं। लीर वैसे भी कोई काम का नहीं है ज़्यादा, डिफेंस को कम करने काम आता था और मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पोकेमोन है माचोप। है माचोप माचोप माचोप। तो यहाँ पर माचोप को हराएंगे हम डबल किक या तो फ्लेम चार्ज, और साथ ही में पैक का यूज भी कर सकते थे, वो फ्लाइंग टाइप अटैक था। ओके नाइस, बस साइस्मिक टॉस। अरे 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 भाई, ये क्या था यार? मतलब हमें तो यार ऑगी बना दिया, छपटा कर दिया एकदम। चलो ये तो सुपर इफेक्टिव अटैक है, नाइस। इसी के साथ ही गाइस हम ये बैटल जीत चुके हैं, मजा आ गया, काफी सारे पॉइंट्स मिले। पिकाचू को भी पॉइंट्स मिल गए हैं। पिकाचू को कोई नया मूव मिला, लेट्स सी कौन सा। डबल टीम, डबल टीम में भी ना मेरे काम आएगा शायद, डबल टीम हमारे काम आए। क्विक अटैक को हटाकर डबल टीम सीख लेते हैं, बिकॉज वो पोकेमोन कॉन्टेस्ट में शायद अच्छा लगे। लेट्स सी क्या होगा, मुझे रिबन्स भी जीतने हैं तो देखेंगे। डिसआर्मिंग वॉइस, ग्राउल को हटा के डिसआर्मिंग वॉइस सीखते हैं, ये भी काम का अटैक है। नाइस, सभी चीज़ें मिल गई हमें और पैसे भी मिल गए। अब यहाँ से देखो, ये हमें जाने नहीं देंगे, ये बोलेंगे ये जगह बिजी है। मुझे पता था, मुझे पता था। ओ नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज, कम ऑन कम ऑन। फेरी पाथ, लेट्स सी ये कौन सा पाथ है। यहाँ पर न्यूमेल है, मुझे न्यूमेल को लेकिन नहीं पकड़ना है, दैट इज़ वाई मैं इसे अपनी टीम में नहीं रखूंगा और हम इससे बैटल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर सिंपली हम लोग मैक्स रिपेल्स का यूज़ करने वाले हैं यहाँ से निकलने के लिए। सबसे पहले मैक्स रिपेल देखते हैं कहाँ पर है, मे बी यहीं कहीं होनी चाहिए मैक्स रिपेल्स। मैंने खरीदी तो थी, मुझे याद है, ये देखो ये खरीद के रखी है। इस बार मुझे अच्छी तरीके से याद था भाई, 7 और पड़ी हैं, 8 खरीदी थी ना हमने, पैसे भी ख़त्म हो गए थे हमारे, वरना और लेते हम। ये देखो गाइस कितना गर्म एरिया है, और तुम्हें पता, ओ रॉक स्मैश मुझे अभी मिला है ना, ये रुक जाओ, मुझे आई थिंक मिला था, स्ट्रेंथ मिला है ना, नाइस। और इसे हम किसे सिखाएं, स्ट्रेंथ सिखा देते हैं इलेक्ट्राइक को, आई डोंट नो मैं गलत कर रहा हूँ सही, लेकिन सिखा देते हैं बस। तो यहाँ पर हमको ओडोर स्लोथ हटा देना है सिंपली। चलो सीख लिया उसने स्ट्रेंथ, ये काम आएगा। यहाँ पर शायद कुछ तो होना चाहिए। अरे पुश करना, तो करना पुश, अरे मैंने सिखाया तो, रुक जाओ आई थिंक ना यहाँ से होगा। इलेक्ट्राइक को यूज मूव स्ट्रेंथ, ओके ये क्यों नहीं कर रहा, आई डोंट नो यार ये क्यों नहीं कर रहा, मतलब मैंने सिखाया तो, स्ट्रेंथ सिखा तो दी, अब उसके बाद भी इसने मूव नहीं किया, शायद जिम बैटल नहीं करी इसलिए, आई डोंट नो क्या था पंडा, आगे पता चल जाएगा। यहाँ से निकलते हम लोग, रूट नंबर 111 में आ गए। आई थिंक बैटल करनी होगी यहाँ पर एक ट्रेनर से, एक दो ट्रेनर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, बैटल करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इनके पास में पोकेमोन कौन से हैं, और इससे हमारा लेवल भी बढ़ेगा ही, हमारा ये एडवांटेज है। लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पर इसका पोकेमोन है इलेक्ट्राइक, हमारे पास में गोकू। इलेक्ट्राइक को मैं हराऊंगा किस अटैक से, फ्लेम चार्ज में भी। देखो इस पर कोई भी फिजिकल अटैक करना एकदम बेकार है, बिकॉज हम ही पैरालाइज हो सकते हैं। ऐसे पोकेमोन से दूरी बनाकर रखो तो ज़्यादा बेटर होता है। देखो हम पैरालाइज होने वाले में भी, काटने से भी पैरालाइज हो सकते हैं। ऐसे पोकेमोन से 10 गुना दूर रहो भाई, बहुत सही है तुम्हारे लिए, क्रिटिकल हिट से बढ़िया है। चलो यार इसी के साथ ही गाइस हमने इलेक्ट्राइक को हरा दिया। बेगन है नेक्स्ट पोकेमोन इसका, बेगन के लिए, बेगन एक ड्रैगन टाइप है ना, ड्रैगन टाइप के लिए आई थिंक, देखते हैं एक ड्रैगन टाइप के लिए कौन सा सही होता है, इलेक्ट्रिकल टाइप। चलो फ्लेम चार्ज से हरा देते हैं, आई थिंक फ्लेम चार्ज काफ़ी उसे हराने के लिए नहीं है, मुझे उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। अरे 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 भाई 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 साहब। तो यहाँ पर हम लोग पैक का यूज़ करेंगे, मे बी पैक से कुछ तो, जो ज़्यादा कुछ तो हेल्थ नहीं गई लेकिन। ओ भाई बेगन, व्हाट आर यू डूइंग बेगन,
ये क्या कर रहा है, मतलब मारे देगा हमको, इतनी देर से मार रहा है। एक तो हमारे पास में दो इलेक्ट्रिकल पोकेमोन, एक पिकाचू और एक इलेक्ट्राइक। पिकाचू हालांकि हमारा है पोकेमोन कॉन्टेस्ट के लिए। ओ पॉइजन, डबल टीम, ये देखो डबल टीम पिकाचू का। ओ यो यो पिकाचू, ये क्या था यार, कुछ डबल टीम कुछ काम नहीं यार, बेगन हमारा सर फोड़ देगा अपने सर से। इलेक्ट्रो बॉल का यूज करते हैं, खत्म। ओ स्ट्रॉन्ग बेगन, सच में स्ट्रॉन्ग है। अरे पिकाचू खत्म, बेगन रियली स्ट्रॉन्ग है यार। तो यहाँ पर हम लोग पोकेमोन करते हैं चेंज, और हम लोग चूज करते हैं लाइक लेट्स सी रॉल्ट्स मे बी। पिटवाना चाहते हैं हम इसे बेचारे को, बेफालतू में पिटवाने वाले। ये पहली बैटल लगाई इस मेरे रॉल्ट्स की, अगर तुम्हें नहीं पता तो। और डिसआर्मिंग वॉइस, एक फेरी टाइप अटैक, आई डोंट नो काम करेगा कि नहीं। अरे 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 अरे, एक अटैक तो पहले कर लेने देता बेचारे रॉल्ट्स को, उसकी पहली बैटल थी यार। बुरा है यार ये, बहुत ज़्यादा ईविल है। ईविल बेगन हमारी टीम को मारे पड़ा है। रुको गाइस, इसे हराते हैं हम लोग। रॉक स्मैश, कट, मर्ड स्पोर्ट, कट का यूज, कट से भी कुछ नहीं होगा, मैं क्यों ये सब कर देता हूँ, मुझे पता है। चलो ठीक है, हार गया, नाइस। इसी के साथ हमें पॉइंट्स मिल गए हैं ज़िगज़ैगून को, 19, लेवल 19 का हो गया ये। और कौन सा नया मूव मिला है इसे, पिन मिसाइल। पिन मिसाइल में भी अच्छा अटैक हो सकता है। 25, नोप। वैसे एक अटैक में 25 थी क्या? टैकल हटा दे, टैकल हटा के पिन मिसाइल सीख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा मे बी। मैंने ट्राई नहीं किया पिन मिसाइल, लेकिन अच्छा अटैक है मुझे जहाँ तक पता है। मकुइटा आने वाला है नेक्स्ट पोकेमोन, मकुइटा को मे बी संभाल लिया हमारा ज़िगज़ैगून। लेट्स सी, पिन मिसाइल का यूज करके देख लेते हैं एक बार, एक बार चेक करो क्या होता है पिन मिसाइल से। अरे अटैक लगा नहीं इसे, एक। अरे बाप रे भाई, कितनी कम कम जा रही है, तीन। कतई घटिया अटैक है भाई, कतई घटिया अटैक। इससे अच्छा तो हम टैकल ही रख लेते हैं। चलो इलेक्ट्राइक आ गया, उसने स्विच कर दिया पोकेमोन को। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्पार्क का, मे बी स्पार्क काम आए। चलो बढ़िया था ये अटैक, बढ़िया था गुरु। अरे अरे भाई 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 भाई, हेल्थ, एक और अटैक बस, स्पार्क, बहुत बढ़िया। अब हम फिंटेड होने वाले, लेकिन पैरालाइज हो गया वो, नाइस। एक बार और, वाओ, मुझे लगा खत्म होने वाला है इलेक्ट्राइक, खत्म तो होगा। अरे उसने स्विच कर दिया एक और बार पोकेमोन, ब्यूटीफ्लाई, सारे पॉइंट्स ब्यूटीफ्लाई को मिलने वाले हैं। चलो हम लोग गश्त का यूज करके देख लेते हैं। चलो मकुइटा खत्म, नाइस ओपी। इसी के साथ ही हम लोग जीत गए हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर था, इसके पास में अच्छे खासे पोकेमोन्स थे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं ना, सबसे पहले अपनी हेल्थ वगैरह ठीक कर लेते हैं। देखो पहले तो हाइपर पोशन का यूज करते हैं अपने मेन पोकेमोन पर, कम्बस्किन। गोकू हमारा बस इतना ठीक है, एक पोकेमोन हमारा सब पे भारी है। ओ एक और बैटल, नहीं ये कोई और ही है। आई कैन स्मेल इट, आई कैन स्मेल इट राइट हियर, द सेंट ऑफ एडवेंचर, दिस इज डेफिनेटली वन, इट्स गॉट बी अ सीक्रेट स्पॉट, ओके, देयर इज बी इनफ स्पेस हियर टू बिल्ड अ क्रेजी सुपर प्लेस, और माई नेम्स नॉट एरून। इसे मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये कौन है गाइस? ओके ये बंदा मैंने, आई डोंट नो, मैंने इसे पहली बार इससे पहले देखा है कि नहीं। यूनोवा वॉर्न एंड 25 ईयर ओल्ड, स्पेंड द लास्ट 11 ईयर्स ट्राइंग टू फाइंड माई सेल्फ, जस्ट अ वेगाबॉन्ड इन सर्च ऑफ ड्रीम्स, आई एम वंडरिंग राउंड हो इन ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस वेयर आई रियली बिलोंग, दैट्स राइट, अ सुपर सीक्रेट बेस, बट वाई यू डोंट नो अबाउट सीक्रेट बेसिस, वॉट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट, टू सैड लिटिल ग्रो, टाइम फॉर अ लिटिल लेक्चर फ्रॉम अंकल अरुण। पर इसने हमें सीक्रेट पावर दिया, ये करेगा क्या? हेल्प यू फाइंड द एंट्रेंस टू हिडन प्लेसेस, दीस एंट्रेंसेस दे आर फुल ऑफ एडवेंचर्स, ऑल राइट, दैट्स व्हाई आई लाइक टू थ्रो
some spices and call secret spots. Oh, nice. Secret spots. Like this. See, right here, a secret spot. Okay. Oh, wow. अंकल तो बड़े कमाल के निकले. अरे ट्री हाउस. वाओ भाई भाई साहब, सीक्रेट बेस बना सकते हम लोग उस चीज से. वाह यार बढ़िया है बढ़िया है. ये क्या है? व्हाट डू यू सी? यू आर हैप्पी. द टेक्स्ट यू एंटर हियर बी सेंड टू द अदर्स वेरियस कम्युनिकेशन फीचर्स. क्या पता क्या कहते हैं. मजा आ गया. हम लोग तो यही कहते हैं, मजा आ गया. याई नहीं कहते, हम लोग कहते हैं मजा आ गया. कतई जहर. ओपी हम लोग कहते हैं. ओपी हम लोग ओपी कहते हैं जब मजा आता है. ओपी जब हम खुश होते हैं ना, ओपी. तो मैंने ओपी लिख दिया. चलो तो हमें एक नई चीज पता चली है. यहाँ पर सीक्रेट बेसिस भी हैं जहाँ पर हमारे अड्डे वड्डे होंगे. आई डोंट नो इन अड्डों का हम करने क्या वाले हैं. बेसिकली अगर तुम्हारे दोस्त खेल रहे हैं गेम तो शायद ये तुम्हारे काम में आए. देखते हैं क्या होता है. ओके नाइस 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 नाइस. सीक्रेट बेस. ओके ये रही जगह. यहां से हम शायद डेकोरेट योर बेस कैसे डेकोरेट करें. चलो यहां पर क्या है, ये क्या है? डेस्क. अच्छा हम अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं. एक स्मॉल चेयर मे बी. यहां पर एक चेयर. हाँ यहां पर इस यहां पर भी कुछ प्लांट्स और रेड फ्लावर. एक ये रहा रेड फ्लावर. एक इस साइड में लगा देते हैं. इस साइड में ये रहा एक रेड फ्लावर. और एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट. और सोने के लिए हमें बेड लगाना है ना, तो बेड लगाने के लिए एक किनारे में बेड हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है. मे बी आई डोंट नो यार, मैंने गलत सलत तो नहीं कर दिया? रुक जाओ. बेड फैंस कंफर्टेबल बेड. बेड बेड लगाते हैं. यहाँ लगाना चाहिए था. नहीं बेड पता एक किनारे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ एकदम किनारे. और मैंने ये फूल पत्ती लगा दी तो रुक जाओ. पहले इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं, इसे रखते हैं यहाँ पर. मे बी ये अच्छा लगेगा यहाँ एक किनारे, या तो यहाँ. देखो एंट्रेंस में कोई भी चीज़ होना तो वो अच्छी लगती है. और अब रख लेते हैं यहाँ पर. तो ये शायद अब अच्छा लग रहा है, पहले से बेटर. और कोई और चीज़ें लगाएं जैसे कि यहाँ पर वॉल आर्ट. ओ ये अच्छा है. सबसे सामने लगाना रहना चाहिए ना, या तो बेड के पास में. बेड के पार्ट में यहाँ पर सबसे सबसे सामने ज़्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है बढ़िया बढ़िया है. अरे लगाना. ये क्या है? नहीं लगा सकते क्या हम? अगेंस्ट दिस आइटम कैन ओनली बी प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल. अच्छा लग तो गया. नो नो नो. और कुछ भी लगाएंगे हम यहाँ पर. और कुछ लगाते हैं लाइक अप्लायंसेस. हाँ ये भी मस्त है. और ये बेड के पास में होनी चाहिए तो हम लोग इसे रखेंगे यहाँ. अरे यार थोड़ा सा स्पेस मिल जाता तो मज़ा आ जाता. यहाँ रख लेते हैं. ठीक है मुझे पता है मैं ऊट पटांग रख रहा हूँ लेकिन मज़ा आ रहा है. डेस्क वगैरह. डेस्क कहाँ रखें? डेस्क की ज़रूरत आई डोंट नो. डेस्क कहाँ रखनी चाहिए? बीच में यहाँ पर. देखो एक किनारे चीज़ अच्छी लगती है. डेस्क डेस्क रखते हैं यहाँ पर. ठीक है डेस्क हो गई ये बैठने के लिए. डेस्क ये हो गई. और मैट्स, मैट भी है, सर्फ मैट. अरे बढ़िया लग रही, ये बढ़िया लग रही मैट. कोई भी अंदर आए तो यहाँ पर पहले मैट वैट में चढ़े. और ऑब्जेक्ट्स में ये क्या? फैंस. फैंस क्यों लगाएंगे हम अपने घर में, कोई बाहर तो. ओके तो गाइस इसी के साथ ही ये रहा मेरा घर. यार सा मुन्न सा. चलो छोटा मोटा मैंने QR पैटर्न्स. ये देखो मेरा घर कैसा लगा. मेरा घर गाइस कैसा लगा? यहाँ पर हम सो सकते हैं, ये देखो रेस्ट कर सकते हैं. तो गाइस ये हमारे सीक्रेट बेसिस होने वाले हैं. यहाँ पर हम पोकेमोन के साथ में रेस्ट वगैरह कर सकते हैं. और साथ ही में मेरी ये टेबल रही बैठने के लिए,
देख रहे हो तुम लोग कितनी अच्छी लग रही है एक किनारे, और ये हमारा पीसी, यहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, मस्त लगा ना। तो गाइज यार आज के लिए वैसे इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करने वाले हैं और बहुत सारी ओपी ओपी चीजें करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज गुड बाय।